काबामेजिपीन काबामेजिपिन इज़ एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज फॉर न्यूरोपैथिक पेन ऐसी पेन जो नर्व की वजह से हो रही है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नर्व में इन्फ्लमेशन वगैरह है उस पेन को कहते हैं न्यूरोपैथिक सो so, इसकी ट्रीटमेंट में हम काबामेजिपीन दे सकते हैं अब इसके एक्शंस क्या हैं पहली बात ये एक एंटी एपिलेप्टिक है सो so इसके एक्शन में ये एंटी कन्वर्जेंट है उसके साथ साथ हम इसको न्यूरोपैथिक uh, पेन के अंदर दे सकते हैं इट इज़ सेकेंड और थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन न्यूरोपैथिक पेन। उसके बाद हम इसे की ट्रीटमेंट में में दे सकते हैं। नर्व अगर पेन हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट में काबामेपिन देंगे उसके साथ साथ जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है उसकी ट्रीटमेंट में भी काबामेजिपिन दे सकते हैं तो अगर पेन की पैथोफिजोलॉजी की बात करें तो पेन टिश्यू डैमेज के थ्रू भी हो सकती है और पेन जो है वो नर्व की इन्फ्लेमेशन के थ्रू भी हो सकती है जिसे हम न्यूराग्लिया कहते हैं टिश्यू डैमेज होगी तो पेन के मीडिएटर्स प्रोड्यूस होंगे फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंड हो सकते हैं ब्रेडिकाइनियन हो सकता है एटीपी हो सकता है उसके अलावा हाइड्रोजन आयन हो सकते हैं सो so, ये सारे पेन के मीडिएटर्स क्या करेंगे दे आर गोइंग टू स्टिमुलेट टाइप सी नर्व्स और ए डेल्टा नर्व्स ये वो सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि पेन के पाथवे में इन्वॉल्व होती हैं इसी तरह जो निराग्लिया की पेन होगी वो भी इन्हीं नर्व्स को जाकर स्टिमुलेट करेंगी अब ये नर्व क्या करेंगी ये सबस्टांस पी और ग्लूटामेट जो कि एक्साइटेटरी न्यूरो है इसके थ्रू स्पाइनोथैलमिक ट्रैक को एक्टिवेट करेंगी सो so, स्पाइनोथैलमिक ट्रैक में से जो सिग्नल होगा वो थैलमस में जाएगा थैलॉमस से सेंसरी uh, कॉर्टेक्स में जाएगा और पेन जो होगी वो प्रिसीव होगी अब इस सारे सिनेरियो में ब्रेन में कुछ ना कुछ नेचुरल uh, मैकेनिज्म होते हैं इस पेन के पाथवे को इनहिबिट करने के लिए सो so, ब्रेन में दो एरियाज हैं लोकस सेरुलस और दूसरा एरिया है न्यूक्लियस राफे मैग्नस यहाँ से डिफरेंट हॉर्मोन्स निकलेंगे जो लोकस सेरुलस है यहाँ से नॉर एड्रीनलिन रिलीज होगा और जो न्यूक्लियस राफे मैग्नस है यहाँ से सिरॉटनिन रिलीज होगा अब नॉर एड्रीनलिन डायरेक्टली भी स्पाइनोथेलमिक ट्रैक को इनहिबिट कर सकता है और सिरॉटनिन भी डायरेक्टली इस ट्रैक को इनहिबिट कर सकता है या फिर इसके अलावा नॉर एडिनलिन और सिरॉटनिन इंटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगे जो कि डॉर्सल हॉर्न में है सो दे आर गोइंग टू एक्टिवेट डॉर्सल हॉर्न इंटर न्यूरॉन, सो जब ये डॉर्सल हॉर्न के इंटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा ये गाबा रिलीज़ करेंगे और साथ साथ एंकीफेलिन रिलीज करेंगे जो कि क्या करेंगे इस के पाथवे को इनहिबिट करेंगे अब इस केस में हम डिफरेंट ड्रग्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल सबसे पहले हम मॉर्फिन यूज़ कर सकते हैं सो so, मॉर्फिन क्या है दिस इज ओपियोड रिसेप्टर एगनिस्ट ओपियोड रिसेप्टर जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर रिलेटेड होता है जिसमें एडीनाइलाइल साइक्लेस की इनहिबिशन होगी और जिसकी वजह से पोटाशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे और कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो इनहिबिट होंगे या ब्लॉक होंगे सो मॉर्फिन में पैरिडीन एक्टिवेट करेंगे? Uh, so करेंगे और इसी तरह जो स्पाइनल्ट को एक्टिवेट करेंगे इसके अलावा जो सेंसरी नर्व वैंडिंग एक्टिवेशन है उसको इनहेबिट करेंगे सो so जो सेंसरी नर्व वैंडिंग एक्टिवेशन है इसको भी इनहेबिट करेंगे उसके बाद हम यूज कर सकते हैं ट्रामाडोल ट्रेमाडोल क्या करेगा दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द रियटेक ऑफ सिरॉटन एंड नॉ रेडिन सो नॉरनालिन ने जो रीअपटेक होना था और सिरॉटन ने जो रियपटेक होना था ट्रामाडोल ने इसको ब्लॉक कर दिया है जिसकी वजह से नॉर की कॉन्सेंट्रेशन और सराटनिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी सो so, जितना ज़्यादा नॉर और सराटनिन होगा तो हम कह सकते हैं उतनी ज़्यादा पेन इनहिबिशन होगी इसके अलावा ट्रामाडोल और क्या करेगा म्यू रिसेप्टर्स का एगनिस्ट है और फाइव एच टी रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है सो इट्स गोइंग टू ब्लॉक फाइव एच टी थ्री जिसकी वजह से एनल होगा सो so, ट्रामाडोल के साथ हम

तो एंसर्स क्या करेंगी इस प्रोस्टग्लैंड को डिक्रीज करेंगी सो so एंसर्स में डिफरेंट आ सकती हैं नॉन सेलेक्टिव आ सकती हैं जिसमें ब्रूप ऑफ एस्प्रीन जिसमें एस्प्रीन आ सकती है सेलेक्टिव uh, आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल सेलेक्टिव कॉक्स टू जिसमें सेलिकॉक्सिप, कॉक्स थ्री में पैरासिटामोल uh, uh, भी आ सकती है अभी एंसर्स प्रोस्टग्लैंड को डिक्रीज करेंगी और पेन की सेंसिटिविटी को डिक्रीज करेंगी इसके साथ साथ कुछ जो होंगी एंसर्स वो सी एन एस के थ्रू भी एक्ट कर सकती हैं उसके अलावा काबामेजिपिन जो है वो हम यूज़ करेंगे अब काबामेजिपिन क्या करेगी दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द सोडियम चैनल्स सो जब सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो उसकी वजह से पेन की ट्रांसमिशन जो है वो भी कम हो जाएगी सो काबामेजिपिन इज गोइंग टू ब्लॉक सोडियम चैनल्स उसके अलावा हम एमे यूज़ कर सकते हैं एमे क्या करेगी अगेन ये भी चैनल सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगी लेकिन एमे जो कि एंटी डिप्रेसेंट है दिस इज गोइंग टू ब्लॉक सोडियम एन ए वी वन पॉइंट सेवन सब टाइप चैनल्स जिसकी वजह से क्या होगा एनर्जीज होगा सो so, जब सोडियम ही नहीं आएगा तो एक्शन पोटेंशियल ही नहीं जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा डिपोलराइजेशन ही होगी तो पेन भी नहीं होगी इसके अलावा गाबा पेंटिन यूज़ कर सकते हैं गाबा पेंटिन क्या करेगा दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द कैल्शियम

भी नहीं होगी सो देते हैं ट्रिप्टिन का मतलब है कि ये से रिलेटेड है सो so, सुमर ट्रिप्टिन ने क्या करना है दिस इज एगनिस्ट एट सिर इन फाइव एच टी वन बी एंड फाइव एच टी वन डी रिसेप्टर सो सुमर ट्रिप्टिन इन दोनों रिसेप्टर को एक्टिवेट uh, करना है क्योंकि इसके ऊपर एगनिस्ट है फाइव एच डी वन डी रिसेप्टर को एक्टिवेट uh, करने की वजह से क्या होगा वेजो कंस्ट्रक्शन होगी क्रेनियल वैसल्स की सो so, हम कह सकते हैं कि सोमाट्रिप्टन को हम यूज़ करेंगे टू ट्रीट द माइग्रेन इसके अलावा सोमाट्रिप्टन की फाइव एच डी वन डी रिसेप्टर को एक्टिवेट करने की वजह से और क्या होगा जो ट्राई जमिनल नर्व की स्टिमुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी सो so, जो नर्व की स्टिमुलेशन है वो डिक्रीज हो सकती है बाय द यूज़ ऑफ सोमा ट्रिप्टिन इसके अलावा जो पेप्टाइड रिलीज है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो पेन है डिक्रीज़ हो जाएगी विद द यूज़ ऑफ सुमा ट्रिप्टिन तो अगर सेलेक्टिवली सिर्फ काबा के मैकनिजम ऑफ एक्शन की बात करें तो काबा सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी सो जब सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो डीपोलराइजेशन होनी थी वो अब नहीं होगी सो जब डीपोलराइजेशन ही नहीं हुई तो उसकी वजह से जो पेन की ट्रांसमिशन है वो रिड्यूज़ कर गई है और की एक एक्टिव एक मेटाबोलाइट बनेगा क्लिनिकल यूज में न्यूरोपैथिक पेन में हम इसे एज अ सेकेंड और थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में यूज करेंगे इसके अलावा ट्राइजेमिनल न्यूरालिया में हम इसको यूज कर सकते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी यूज कर सकते हैं टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स की बात करें तो काबा की वजह से हेडेक मेंटल डिसोरियंटेशन मोटर डिस्टर्बसेज लिवर डैमेज हो सकती है एग्रोसाइटोसिस ए प्लास्टिक अनीमिया डरमाटोलॉजिकल रिएक्शंस और जो काबा है इट इज अ स्ट्रांग इंड्यूसर ऑफ साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी एनजाइन सिस्टम और अगर साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी एनजाइम सिस्टम इंड्यूस हो गया तो उसकी वजह से ड्रग इंट्रैक्शन जो है वो कॉमनली होंगे इसके अलावा लेबोर्टरी जो है वो छोटे बच्चों में स्किन रैश कॉज करेगा तो अगर फाइनली सारी इनर्जैक्स को हम समराइज करें तो इसके कुछ ना कुछ ग्रुप्स बनेंगे पहला ग्रुप जिसे ओ कहेंगे कुछ इसमें एंसर्स भी आ सकती हैं एंसर्स के अलावा कुछ इसमें एंटी एपिलेप्टिक्स भी आ सकती हैं एंटी एपिलेप्ट के साथ साथ कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी आएंगी जिनमें टी सी हो सकती हैं और एस एन आर आइज आएंगी और फाइनली सिराटनिन एगनिस्ट आएंगी जिन्हें हम ट्रिप्ट कहेंगे सो अगर ओपियोइस की बात करें तो ओपियोड्स में एगनिस्ट देखें तो एगनिस्ट में जो स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एगेस्ट है उसमें फैंटेनाइल हाइड्रोमोफोन ऑक्जीमोफोन मिपेरेडीन मोफिन मैथाडोन सुफेंटानाइल और ट्रामाडोल आएंगी और अगर एगनिस्ट में मॉडरेट एक्टिंग में देखें तो कोडीन हाइड्रोकोडोन और अगर एगनिस्ट में वीक एगनिस्ट देखें तो प्रोपोक्सिफिन आएगी इसके अलावा अगर मिक्स्ड एगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट फंक्शन में देखें तो और ब्यूटोफेनॉल आएंगे उसके अलावा अगर बनोलिस्ट में देखें प्योर एंटेगनिस्ट में जो कि प्योर रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है तो उसमें अगर एंटेगनिस तो उसमें मिथाइल एल्विमोपान और और अगर फाइनली पार्शल एगनिस देखें तो उसमें पेंटाइजोसिन आएंगी सिमिलर ड्रग्स मिलती जुलती कौन सी हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल एस्प्रीन एस्प्रीन इज इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये कॉक्स वन और टू दोनों को ब्लॉक करेगी उसके अलावा डिग्लोफेनिक्रूप्रोफेन इंडोमैथोसिन कि पैरॉक्सिकेम और सिलेसाइलेट्स जितने भी हैं बाकी ये क्या है दीज आर रिवर्सिबल ये इजीली रिवर्स हो जाएंगे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर यानी कॉक्स वन और टू दोनों को ब्लॉक करेंगे उसके अलावा अगर इनमें ग्रुप्स देखें तो क्या क्या हो सकते हैं एसप्रीन में सिलिसाइलिक एसिड होगा उसके अलावा नॉक्स इनिब्रोप्रोफिन कीटोप्रोफेन ऑक्जाप्रोजन और उसके अलावा फ्लुब्रिप्रोफिन इनके अंदर जो ग्रुप होंगे दिस इज गोइंग टू बी प्रोप्रियोनिक एसिड उसके अलावा एक और हमारे पास एंसड है दिस इज एसिड इसके अंदर जो ग्रुप होगा दिस इज गोइंग टू बी एंथ्रानेलिनिक एसिड डिक्लोफेनिक और एसिलो एसिलोफेनिक इनके अंदर जो ग्रुप होगा दिस इज गोइंग टू बी अरासिटिक एसिड पायरॉक्म टेनोक्सिकैम इनके अंदर जो ग्रुप होगा दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सिकैम ग्रुप उसके अलावा कुछ और हैं जिनमें पायरोलो पायरोल डेरिवेटिव ग्रुप जो होगा कीट्रोलैक इंडोमैथसिन और नेब्यूमिटोन इनके अंदर पायरोलो

एपिलेप्टिक ड्रग्स को भी एज एन एनर्जेजिक्स यूज़ कर सकते हैं सो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में आ सकती हैं गाबापेंटिन और प्री गाबलिन जिसे हम यूज़ करेंगे पोस्ट हर्पेटिक न्यूरागिया की ट्रीटमेंट में इसके अलावा जो डायबिटीज़ एसोसीट न्यूरोपैथी है उसमें काबा मैजिबिन फेनेटोइन गाबापेंटिन प्री गाबलिन और लेमोटीन दे सकते हैं इसके अलावा एच आई वी एसोसीट न्यूरोपैथी में हम लेमटोजीन देंगे और ट्राई जेमिनल न्यूरोग्लिया में हम काबामेजिपिन लेमोटोजीन ऑक्सकारबेजीपिन देंगे और फाइनली जो सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन है उसकी ट्रीटमेंट के लिए लेमोटोजीन देंगे इसके अलावा कुछ हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जिन्हें हम एज एन एनर्जेजिक्स भी यूज़ कर सकते हैं इन एंटी डिप्रेसेंट्स में कुछ टी सी एज हैं और कुछ एस एन आर आईज देखें तो उसमें और और आ सकते हैं। अगर देखें तो उसमें और आएंगे अगर एनलजेजिक ड्रग्स के फाइनल ग्रुप को देखें तो उसमें ढेर सारे ट्रिप्टन आएंगे अब ये जितने भी ट्रिप्टन हैं ये करेंगे क्या ये सरोटन रिसेप्टर के एगेस्ट है और स्पेसिफिकली फाइव एच टी वन बी और फाइव एच टी वन डी रिसेप्टर पर एगेस्ट है सो जब फाइव एच डी वन डी रिसेप्टर जो एक्टिवेट होगा उसकी वजह से वे जो कंस्ट्रक्शन होगी क्रेनियल वैसल्स की ट्राइजामनल लर्व की स्टिमुलेशन डिक्रीज होगी पेप्टाइड रिलीज डिक्रीज होगा और हम कहेंगे कि ये जो ड्रग्स है आर एंटी माइग्रेन ड्रग्स इन्हें हम माइग्रेन में यूज करेंगे इसमें सारी ड्रग्स आ सकती जिनके है जिनके एंड में ट्रिप्टन है फॉर एग्जाम्पल सोम ट्रिप्टन राजा ट्रिप्टन नारा ट्रिप्टन एली ट्रिप्टन डॉनी ट्रिप्टन एल्मो ट्रिप्टन फ्रोवा ट्रिप्टन एविट्रिप्टन एंड जोलमी ट्रिप्टन